नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज। मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरों की तरफ। निर्माणाधीन मकान में चोरी का प्रयास करते युवक रंगे हाथों पकड़ा गया। गुलाबगंज निवासी लालजी राम ने बताया कि वह जब सुबह दैनिक क्रिया के लिए गया हुआ था, तभी अचानक उसे निर्माणाधीन मकान में कुछ आवाजें आईं। इसके बाद उसने अंदर जाकर देखा तो पाया कि एक बोरे में सामान भरा हुआ है। वहीं मकान की दूसरी मंजिल पर जाने पर उसने देखा कि एक बालक चोरी के इरादे से और भी सामान वहां पर इकट्ठा कर रहा है, जिसे मैं सामान के उसे पकड़ लिया और डायल नेट को सूचना देकर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने आरोपी बालक को गिरफ्तार कर लिया एवं अपनी जांच शुरू कर दी। गुना शहर में इन दिनों चोरों के हौसले बुलंद हैं। आए दिन चोरी की वारदातों को अंजाम देते रहते हैं। कई बार देखा गया है कि रहवासियों के द्वारा ही आरोपियों को पकड़ा जाता है, इसके बाद मामूली धाराएं लगाकर पुलिस आरोपियों को छोड़ देती है। जनता ने जाम लगाया है ऐसे करके सब लोग मौजूद है। जनता को ले लो मैं जा सूर्य आता हूँ, जो मुझे आवाज आई जी सामान भर रहा लगा कार्ड लाई मोटर कार्ड को बम कट्टा भर लाई। ऊपर पहुंचा, मैं भी ऊपर पहुंचा, ऊपर हमने पकड़ लिया। सेठ जी बुलाया मैंने, फिर फोन लगाया मैंने, वो लड़के आ गए रंगे हाँ तो पकड़ लिया था आपने। सामान वहाँ खूब फल भर लिया था मैंने। सेठ जी कट्टा छत पे पुलिस को सूचना करी थी मैं भाभी लगाया था ना सोनमल आया था पुलिस आ गई थी पुलिस पकड़ के ले गई। मुंगावली और कोलारा उपचुनाव में कांग्रेस की जीत पर कल शाम कांग्रेसियों ने मनाया जश्न। कांग्रेसियों ने इस जीत को आने वाले चुनाव की पहली सीढ़ी बताया है और साथ ही यह आशा भी जताई है कि आगामी चुनाव में आमजन भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखा देंगे, क्योंकि अब आमजनों को पता चल गया है कि भारतीय जनता पार्टी केवल बात ही करती रहती है। इसी तारतम्य में आज दोपहर को कांग्रेस द्वारा एक जुलूस निकाला गया, साथ ही आतिशबाजी भी की गई एवं मिठाई भी खिलाई गई। और कोलारस का उपचुनाव कांग्रेस पार्टी ने जीता है, श्रीमंत महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जीता है, उसकी खुशी में ये जीत का जश्न मनाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार, मुख्यमंत्री और तमाम देश के अलग अलग समाजों के लीडर अशोकनगर और मुंगावली में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में जिन्होंने डेरा डाला था, वो सारे लोगों की, मुख्यमंत्री की ये बहुत बड़ी हार है। जीत मध्य प्रदेश के किसानों की, युवाओं की और सर्वहारा वर्ग के लोगों की जीत है। चुनाव तो था ही, लेकिन उससे ज्यादा इस बात का चुनाव था कि देश में प्रधानमंत्री मोदी जी से लेकर के मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने राहुल जी और सोनिया जी की नीतियां और उससे भी आगे बढ़ करके सिंधिया जी का जो व्यक्तित्व था उससे भारतीय जनता पार्टी ने जो टकराने का प्रयास किया उसका प्रतिफल है कि इस क्षेत्र की जनता ने जो करारा जवाब भारतीय जनता पार्टी के हर बल को दिया है, जिसे वहाँ की क्षेत्र की जनता ने हर स्वरूप में देखा है, जिसकी कल्पना नहीं की थी उसको देखा है और उस स्वरूप में भारतीय जनता पार्टी को जो जवाब मिला है शायद भारतीय जनता पार्टी ने भी इसकी कल्पना नहीं की थी। ये संपूर्ण चुनाव अभियान और प्रचार केवल और केवल राहुल जी सोनिया जी के नेतृत्व, कांग्रेस के वरिष्ठों का नेतृत्व और मुख्यतः श्रीमंत महाराज सिंधिया के साथ में जिस प्रकार से चुनाव उन्होंने व्यक्तिवादी बनाया दिल्ली से लेकर के मध्य प्रदेश तक, उसका जवाब यहाँ के क्षेत्र की जनता ने दिया है। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे संविदा कर्मियों का टेंट हो गया गायब। बताया जाता है कि संविदा कर्मी भोपाल में प्रदर्शन करने पहुंचे थे, उसके बाद जब वापस गुना लौटे तो शास्त्री पार्क के समीप प्रदर्शन स्थल पर पहुंचने पर पाया कि उनका टेंट वहां से गायब हो गया है। जब इस बारे में जानकारी जुटाई गई कि टेंट आखिर गया कहां, तो पता लगा कि नगर पालिका के आदेश पर उक्त टेंट को हटा दिया गया है, जिसके बारे में शिकायत की गई तो कहा गया कि टेंट को वापस लगवा दिया जाएगा।
परंतु देखने में आया कि आज दोपहर 3 बजे तक टेंट को नहीं लगाया गया। वहीं इस मामले में नेता प्रतिपक्ष सुनील मालवीय ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि नगर पालिका और भाजपा शासन की दमनकारी नीतियां गुना शहर में नहीं चलेंगी। बता दें कि प्रदर्शनकारी प्रदर्शन करने के लिए SD महोदय से परमिशन लेकर बैठे हैं, इसके बाद भी न जाने क्यों नगर पालिका ने उनका टेंट वहां से हटवा दिया। जानकारी लगी है कि नगर पालिका ने जो है इनका जो टेंट लगा हुआ था इसको हटा दिया, जबकि ये लोग है ना SDM से परमिशन लेकर बैठे हैं और आंदोलन करने का स्वतंत्र भारत में अपनी मांगों के लिए कोई भी आंदोलन कर सकता है। ये जो कृत्य है नगर पालिका का ये गलत है। मैंने अभी CEO बुंदेला जी से बात की, मैंने कहा ये आपकी जो नगर पालिका की एक्सरसाइज है इसको बंद करो, ये धूप इतनी ज़्यादा तेज पड़ रही है, अगर कोई संविदा कर्मी अगर कोई बीमार हो गया या कुछ होगा इसका जिम्मेदार कौन होगा। तो उन्होंने कहा कि हम भिजवा रहे हैं, मैंने कहा ये गलत है बिल्कुल, ये दमनकारी नीति जो है ये नहीं चलेगी मध्य प्रदेश में और खासतौर से गुना में तो चलेगी ही नहीं। क्रांति आह्वान पे दिनांक 28 फरवरी 2018 को हम लोग भोपाल पे धरना प्रदर्शन के लिए गए थे, तो जब वापसी लौटे और हम धरना प्रदर्शन पे पुनः आए तो हमको हमारा टेंट नहीं मिला। इस संबंध में हमने पता करा तो नगर पालिका हमारा टेंट ले गई। अब किसी भी प्रकार के मकान या जमीनी संबंधी विवाद को लेकर आपको राजस्व में जाने की जरूरत नहीं है, आपका काम पुलिस कर दिया करेगी। हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पैंची से आज कुछ ही इस तरह का मामला सामने आया है, जहां के लोधा समाज के लोग आज कलेक्टर राजेश जैन से मिलने आए, साथ ही बीनगंज में पदस्थ ऋतु शर्मा और चांचौड़ा थाना प्रभारी के खिलाफ मामला दर्ज करने की शिकायत भी की। बता दें कि PPT में लालाराम लोधा का मकान 4 लेन बनने के कारण तोड़ना पड़ा। अपनी निजी भूमि में लालाराम एक नया मकान बना रहा था, जिसके पास ही कुछ दबंगों की जमीन है। लालाराम के मकान के बनने से इन दबंगों को कई तरह की तकलीफें थीं। इसी के चलते पुलिस की मदद से आज मकान बनने का काम पुलिस द्वारा रुकवाया गया। साथ ही परिजनों की माने तो पुलिस कर्मियों ने घर वालों के साथ अभद्रता भी की, साथ ही अश्लील गालियां भी दी। परिजनों में से किसी ने इस घटना की वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर ली। जैसे ही मोबाइल का कैमरा प्रभारी ऋतु शर्मा ने देखा तब दूर से ही चिल्लाकर बोलती नजर आई कि यहाँ पास में आ जाओ, इतनी दूर से रिकॉर्डिंग क्यों कर रहे हो। देखा गया है कि जमीन संबंधी कोई भी मामला हो तो राजस्व विभाग उसे देखता है, लेकिन यहाँ पर तो पुलिस कर्मियों ने ही एक नया उदाहरण पेश किया। अब देखना ये होगा कि गरीब किसान को जिला कलेक्टर राजेश जैन किस तरह से सुनते हैं और कितनी जल्दी ही निराकरण करते हैं। बाद में तो उसको पुलिस वाले गए और उसको धमकाया कि ये मकान नहीं बनेगा, ये वीडियो भी है इनके पास। मकान तोड़ गए धमकी दे, पहले मकान हमारा टूट गया, फोन लाइन में गया पूरे मकान अगल बगल का, मकान मत बनाओ तुम्हें मारूंगा। आप शब्द गलत बोले, इसकी क्या है कि तुम्हें सब कार्रवाई हो जाएगी। नहीं अभी नहीं फैसले सावरांत ये सावरांत और से बढ़िया है। और अब बदरे बुला डिस्चार्ज है मोबाइल यार बदरे उठा सामने करो यार, चार पीछे कर बुहारों को दे दो कल ले जल्दी आ। लगन हमारे तो आदमी से कई कन्नो जमीन हमारी गई।
आदमी से कहीं लेना देनो तो चलो नहीं तो हम देख लो नहीं सरकार मामला बंद कर दी हम कहा जाएंगे फिर माँ को मैं काट जोड़ दी पूरी पट्टी भी नहीं निकाल पाई हम बे ये अगल बगल का दरिया पीछे हमारे जाके तो नहीं क्या है कि ग्राम पेंची में ग्राम पेंची में रामचरण लोधा का फोर लेन में मकान टूट गया था तो उन्होंने अपना जो रकबा है निजी भूमि उनकी खसरा नंबर 24 में उन्होंने अपना मकान बनाने का काम शुरू करा। वहां पर थाना प्रभारी और चांचुड़ा के थाना प्रभारी और बीनागंज चौकी की सब इंस्पेक्टर रितु शर्मा पहुँची और मकान को तोड़ने की धमकी दी जिसका वीडियो मैं आपको भेजेंगे। और जब हमारी ये माता जी है इन्होंने जब रिकॉर्डिंग करी तो इनको भी गालियां दी तुम्हारे मर्द नामर्द है क्या और हम तुम्हारा घर भी तोड़ेंगे तुम्हारे हाथ पर भी तोड़ेंगे। किसने बोला ऐसा? ये रितु चौहान रितु शर्मा जो सब इंस्पेक्टर है और तमाम तरीके उसने धमकियाँ दी इनको जो कि ये पुलिस की खुली गुंडागर्दी है। इस प्रकार से ये कुशासन है शिवराज सिंह चौहान का और बीजेपी सरकार का। जैसे कि फोर लाइन में मकान गया और रामचरण लोधा की अपनी निजी भूमि चार भाई हैं छवि का जमीन है इनके पास ये अपनी निजी भूमि में अपना मकान बना रहे हैं। इसमें कुछ जमीन पीछे दमंगों की लगी हुई है उन दमंगों के दबाव में आकर पुलिस धौंस तबस देती है गुंडागर्दी करती है तो इस पर प्रशासन कार्रवाई करे आगंधक TI पर और चौकी प्रभारी दोनों पर ही FRI दर्ज होना चाहिए क्योंकि ये राज सब का मामला है ये पुलिस का मामला नहीं है। गाली दे नुके तुम्हारा मुंह भी तोड़ांगा तुम्हारा मकान भी तोड़ांगा और तुम्हारा आदमी ने छुरी पहन रखी अच्छा हाँ आप कब से काबिज हैं वहाँ इतने साल तो जिंदगी भर से आज से शुरू हुई कक्षा 12वीं की परीक्षाएं वहीं 12वीं की परीक्षा देने से वंचित रह गई एक छात्रा। बता दें कि रुठिया निवासी रमेश पिछले कई दिनों से अपनी बच्ची के स्कूल में चक्कर काट रहा है जिसका कारण था कि उसकी बच्ची जो कि कक्षा 12वीं में पढ़ रही थी उसका एडमिट कार्ड नहीं मिल पाया। बता दें कि रमेश की बच्ची रुठियाई के स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर से रेगुलर कक्षा 9 से पढ़ रही थी। पिछले 15 दिनों में जब सभी बच्चों के एडमिट कार्ड आ चुके थे तब से ही ये बच्ची परेशान थी कि आखिरकार उसका एडमिट कार्ड क्यों नहीं आया जिसके चलते अपने पिता को बार बार स्कूल भेज रही थी। वहीं स्कूल प्रबंधन का ये कहना था कि वह कोशिश कर रहे हैं कि ये एडमिट कार्ड आ जाएगा। आज जब बच्ची अपनी परीक्षा देने स्कूल पहुंची तो स्कूल प्रबंधन ने अपने लेटर पैड पर लिख कर दिया कि हमने तो कोशिश बहुत की पर बोर्ड ने बच्ची का एडमिट कार्ड निरस्त कर दिया। सवाल ये उठता है कि स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर के प्रबंधक ने अपने लेटर पैड पर एक प्रमाणीकरण लिखकर बच्ची के पिता को थमा दिया जहाँ स्कूल प्रबंधन ने लिखा है कि उन्हें गाइडलाइन की जानकारी नहीं थी। इस बच्ची का भविष्य क्या होगा स्कूल की गलती का खामियाजा छात्रा को उठाना पड़ा। अभी एक विचाराधीन प्रश्न है जिस पर जिला प्रशासन को गंभीरता से सोचना चाहिए। मेरी बच्ची है ना विवेकानंद स्कूल में ना रेगुलर 9th क्लास से पढ़ रही है और ये मैं सर के पास गया 2-3 बार सर इसका वो नहीं आया एडमिट कार्ड वो कह रहे हैं अभी रुको हम काम करवा रहे हैं तुम्हारा मैंने ऊपर बात करी है और आपको कंप्लेंट से कुछ नहीं होगा वो आपका काम हो जाएगा। आपको क्लास की 12वीं क्लास की आपकी पेपर देना थी तो वो मेरे को 15 दिन से आगे पीछे घुमा रहे थे और सुबह उनने ये लिख के भी दिया है स्कूल वालों ने ये लेटर पैड है मेरे पास क्या लिख के दिया आप क्या लिख के दिया यही बता क्या वो मैंने तो पूरी कोशिश करी बोर्ड ने है ना इसको निरस्त कर दिया है। निरस्त क्यों कर दिया वो उसका कारण नहीं बता रहा है बोला बोर्ड से जाकर बात करो यहाँ पर शिकायत करना है वह शिकायत करो। आज आपकी बच्ची ने पेपर नहीं दिया आज मेरी बच्ची ने पेपर नहीं दिया और रो रो के और उसका बुरा हाल है। आज समस्त 108 एम्बुलेंस स्टाफ अपनी कॉन्ट्रैक्ट कंपनी JVK के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने पहुंचे। कलेक्टर राजेश जैन के समक्ष 108 एम्बुलेंस के कर्मियों की माने तो उनके कॉन्ट्रैक्टर कंपनी बिना बताए ही उनके मानदेय में से पैसा काट रही है। वह कभी भी इसका कारण नहीं बताया जाता कि पैसा क्यों काटा जाता है। इसी की शिकायत लेकर आज सभी कर्मी कलेक्टर राजेश जैन के समक्ष पहुंचे और उन्होंने बताया कि इन कर्मचारियों का कंपनी मानसिक एवं दैहिक शोषण कर रही है। वहीं कलेक्टर राजेश जैन ने आश्वासन दिया CMHO द्वारा इस बारे में जाँच कराई जाएगी। क्या क्या संबंध में है आपका क्या हाँ श्रीमान जी हम मेरा पूरा स्टाफ 108 एम्बुलेंस स्टाफ जो कि गुना में एक इमरजेंसी सेवाएं दे रहा है चिकित्सक सेवा दे रहा है
जिसमें पैरामेडिकल स्टाफ और वाहन चालक ड्राइवर दोनों पदस्थ होते हैं। दिन रात 12 घंटे की हमारी ड्यूटी ली जाती है। हम 24 घंटे ड्यूटी करते हैं, दिन रात भूखे प्यासे इधर उधर मरीजों को अपन सेवा देते रहते हैं, जिला अस्पताल से भोपाल, कभी कभी ग्वालियर, कभी कभी विदिशा, कभी कभी राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट, हम इधर से उधर मरीज को ले जाते रहते हैं। मगर फिर भी एक चिकित्सा केयर कंपनी को मध्य प्रदेश शासन ने इमरजेंसी सेवा संचालित करने का जो मतलब उनको ठेका दे रखा है, एग्रीमेंट दे रखा है, वो कंपनी इतनी मनमानी कर रहे हैं कि हमारी बिना सूचना दिए हमारे वेतन में अघोषित कटौती कर लेती है। कभी किसी के 2000 रुपये काट लेती है, कभी किसी के 4000 रुपये काट ली जाती है, कभी 5000-6000 रुपये भी हमारे काटे जा रहे हैं, जबकि हमें न्यूनतम वेतन हमें 9000 रुपये दिया जाता है, 9000 रुपये दिया जाता है, जिससे हमारी भी उसमें भी हमारी 4000-5000 रुपये काट ले जाते हैं। आवेदन दिया तो सामने क्या श्रीमान कलेक्टर महोदय जी को हमारे द्वारा ज्ञापन दिया गया, हमारे संघ के द्वारा ज्ञापन दिया गया, महोदय जी ने बोला कि हम सेम आपको यहाँ से लेटर जारी करेंगे और जांच करवाएंगे कि किस लिए मतलब इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। कारण क्या रहता है तुम पैसे काटने का? कोई जानकारी नहीं, हमें कोई सूचना नहीं दी जाती है, और हम हमारे उच्च अधिकारी से पूछते हैं कि सर हमारे वेतन क्यों कटौती की गई है, तो वो भी हमें विभिन्न प्रकार के शोषण करते हैं, मानसिक शोषण, विभिन्न प्रकार के शारीरिक शोषण किए करने का दबाव बनाते हैं। आरुण नगर में शांतिनाथ दिगंबर जैन समाज द्वारा गुलाबगंज मंदिर में उत्सव मनाया गया, जिसमें श्री जी की पालकी रथ के साथ नगर में शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें समाज के सभी लोगों ने आरती की। शोभा यात्रा गुलाबगंज मंदिर से होती हुई मेन बाजार से पुरानी गल्ला मंडी जैन धर्मशाला मेन बाजार से निकली। यात्रा के गुलाबगंज मंदिर में पहुँचने पर कई कार्यक्रम किए गए, रास्ते में जगह जगह फूलमालाओं से स्वागत किया गया। चंद्र सरगोंसी के साथ राजेश जैन की रिपोर्ट। गुना सिरोंज बाईपास रोड पर हुआ एक्सीडेंट। आरुण नगर में गुना सिरोंज बाईपास रोड पर मोटरसाइकिल चालक का दूसरी मोटरसाइकिल सवार के साथ जोरदार टक्कर के साथ एक्सीडेंट हुआ। यह भिड़ंत इतनी भयानक थी कि दोनों मोटरसाइकिल सवारों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। दोनों ही मोटरसाइकिल सवारों को गंभीर चोटें आई हैं, जिसके बाद आरुण के प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचाया गया। अरुण से हमारे सहयोगी राकेश जैन की रिपोर्ट। चांचौड़ा पुलिस की कार्यप्रणाली पर लग रहा है प्रश्न चिन्ह। आपको बता दें कि गुना जिले के चांचौड़ा थाना क्षेत्र के वार्ड क्रमांक नंबर 6 कुशवा मोहल्ला, जो कि चांचौड़ा थाना से मात्र 200 मीटर की दूरी पर बसा हुआ है, पर चोरों की हिम्मत तो देखिए कि उन्होंने यहां दिन दहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम दिया और रफू चक्कर हो गए। यहाँ चोरों ने वार्ड क्रमांक 6 के निवासी विष्णु कुशवा के घर पर अपना निशाना बनाया, जहां से चोर दिन दहाड़े ताला तोड़कर 44,000 रुपए नकदी और कुछ जेवर भी ले भागे। आपको बता दें कि अभी 10 दिनों के अंदर वार्ड नंबर 6 में ये चोरी की दूसरी वारदात हुई है। इसके पहले भी चोरों ने एक चोरी को अंजाम दे चुके हैं, जिसकी रिपोर्ट भी चांचौड़ा थाने में की गई, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे चांचौड़ा में चोरों की हिम्मत इतनी बढ़ गई कि अब तो दिन दहाड़े चोरियां हो रही हैं। लेकिन पुलिस अब भी शांत बैठी हुई है। सोने पर सुहागा तो ये रहा कि जब फरियादी विष्णु कुशवा चोरी की रिपोर्ट लिखाने चांचौड़ा थाने गए, तो चांचौड़ा TI प्रवीण सिंह चौहान द्वारा उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। यहाँ थाना प्रभारी द्वारा फरियादी से बोला गया कि तुम्हारे घर चोरी हुई है तो क्या मैं तुम्हारे घर पर सिपाही बैठा कर रखूं? जिसके बाद फरियादी काफी समय तक थाने में बैठा रहा। वह फरियादी ने SP निमेश अग्रवाल को अपनी फोन पर घटना की जानकारी दी, तब कहीं जाकर करीब 5 घंटे बाद फरियादी की रिपोर्ट दर्ज की गई। साथ ही जब इस संदर्भ में DGN ने इसको चांचौड़ा संवाददाता शिवम नामदेव ने चांचौड़ा थाना प्रभारी प्रवीण सिंह चौहान से बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने बात करने से साफ मना कर दिया और कहा कि पुलिस अपना कार्रवाई कर रही है। पर एक बात तो साफ है कि पुलिस के इस ढीले रवैये ने चोरों के हौसले तो बढ़ा ही दिए हैं। लगे थे कि पुलिस वाले के घर पे बिठा रखेगा चोरी के पहले,
अभी इसके पहले भी कुछ दिन पहले आपके मोहल्ले में चोरी हुई थी। हुई थी ना 8 दिन पहले मंगलवार के दिन। और इसके बाद वो बोलने लगे चोरी होने के पहले तुम्हारे घर पे चौकीदार बिठा रखे क्या? और इसके बाद क्या रिपोर्ट लिख लें क्या? अभी रिपोर्ट नहीं लिखी। और कितने घंटे बाद रिपोर्ट लिखी? फिर लिखी उसके बाद में हम एक बार तो चले गए थे 5-1 बजे, फिर इसके बाद में हम गए सभी जने 6-8 बजे, इसके बाद फिर लिखी रिपोर्ट। मैं गया था एक बार और तो जब तो लिखी थी नहीं रिपोर्ट, और जिसके बाद में फिर दूसरी बार गया जब लिखी सभी जने गए। कितनी देर बाद ये गया था? पहले तो 5-1 बजे, 5-4 के बीच में, फिर इसके बाद में सबरे घर के आ गए ट्रेन से जब मैं गया था। और घटना कब की चोरी की? ये 2 बजे से तो क्या क्या चोरी हुआ आपको? ये हुआ 44,000 रुपये नगद थे, रकम वगैरह थी, चूड़े थे और कमर पेटे वगैरह, मंगल सूत्र वगैरह और झुमके वगैरह कान के थे। आज से शुरू हुई कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा, हजारों की तादाद में परीक्षार्थी इन परीक्षाओं में बैठे हैं। वहीं पुलिस प्रशासन की तरफ से चाक चौबंद व्यवस्थाएं भी सभी परीक्षा केंद्रों पर की गई। शिक्षा विभाग की तरफ से भी सभी तरह की व्यवस्थाएं पहले से ही करवा कर रखी गई थी, ताकि परीक्षा वाले दिन किसी भी तरह की कोई दिक्कत का सामना किसी भी परीक्षार्थी को न करना पड़े। इसी के चलते आज परीक्षा बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से सम्पन्न हो पाई। ग्राम खेजरा में डायल 100 की मदद से अग्नि दग्धा को बचाया गया। बता दें कि ग्राम खेजरा बाबा चौकी झागर में एक महिला ने पारिवारिक विवाद के चलते आग लगा ली थी, जिसके बाद डायल 100 FRV 17 ने मौके पर पहुंचकर जिला चिकित्सालय में पहुंचाया, जिसमें पायलट असमतुल्ला, देवेंद्र शर्मा और दिनेश गौतम ने बखूबी सहयोग देते हुए महिला को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया। डीजीएनए न्यूज में आज बस इतना ही। कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।